नमस्कार, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हर हफ्ते नए विषय पर रोचक जानकारी देती हैं। आज चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोकलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज हम बात करेंगे बच्चों की जो पढ़ने जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, पढ़ाई की चीज का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो पेपर के टाइम ढंग से दे सकें और अच्छे मार्क्स आ सकें। इस बारे में बताएंगे ज्योतिष आचार्य मानव जी। आइए चलते हैं ज्योतिष आचार्य मानव जी पास। लिखने वाला है बच्चों के दिमाग में 24 घंटे कुछ शब्द फितूर रहता है, पेपर हो या नहीं हो तब भी, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, इनके माता पिता को क्या करना चाहिए। देखिए, हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वो छोटी छोटी बातें हमने बताई थी कि एनवायरमेंटल एनर्जी पॉजिटिव रखिए। मैं एक बात जानती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, वो ये है कि आपका वक्त चाहे कितना भी खराब हो, आपके ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा या आपका गोचर कुछ भी कहता है, लेकिन अगर आपका मानसिक रूप से अपने पे कंट्रोल है तो आप बहुत सारी चीज़ों को बड़े प्यार से सुलझा सकते हैं। देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचना या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना जायज नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगी कि पेरेंट्स छोटे छोटे उपाय करें, बहुत सारे फर्क जो हैं उससे पड़ते हैं। आप बच्चों के सिरहाने गुलाब की पत्तियाँ रख दीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए, जब बच्चों की बॉडी वेव्स पॉजिटिव हैं, आप सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर पर आते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, दूसरों का प्रभाव है, कुछ पोल्यूशन है, आपस की बातचीत है, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सारी बॉडी वेव्स रहती हैं। वो बॉडी वेव्स कंटिन्यू रहती हैं क्योंकि हमारे कर्म जो हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं हैं। तो बच्चे ही हैं, मैं यही बोलूँगी, लेकिन पेरेंट्स इसमें थोड़ी हेल्प कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे उपायों के माध्यम से। पहली बात, अपना बच्चा, जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ता है रूम में, आप वहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ एक बाउल में रख दीजिए। गुलाब की पत्तियाँ अपने आप में मैजिकल रिजल्ट देती हैं, यकीन मानिए। आप गुलाब की पत्तियाँ रखिए, दूसरे दिन आपको गुलाब की पत्तियाँ ऐसे सूखे पत्तों की तरह मिलेंगी क्योंकि उसमें एक मैग्नेटिक स्टेटस है,
उसमें खुशबू है, उसमें कोमलता है, उसमें खुशबू है जो कि आपके कमरे के साथ साथ बच्चे के माइंड को भी प्रभावित करती है। आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा बहुत नेगेटिव सोचता है तो गुलाब की पत्तियां जो है वो पानी में डालकर भी रख दीजिए और सूखी गुलाब की पत्तियां भी रख दीजिए, धीरे धीरे बच्चों की नेगेटिव वेव्स माइंड की ठीक होनी, शांत होनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो नहाने से पहले छोटा सा काम बच्चों से करवा दीजिए कि गुलाब की पत्तियों में केवड़े का रस डालिए, उसकी पेस्ट बना दीजिए और बच्चे को बोलिए कि नहाने से पहले इस्तेमाल करें। यकीन मानिए बच्चे का जो एग्रेशन है, बच्चे का जो गुस्सा है, बच्चे के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, बच्चा जैसे बहुत सारी बातों की गंदगी जो है वो दिमाग में रखता है, ईर्ष्या रख रहा है, गुस्सा रखता है, वो धीरे धीरे आपका रोना बच्चा शांत और कूल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगी, हमारे घरों में आजकल गंगा जल लुप्त होता जा रहा है। देखिए मन की शुद्धि बहुत बड़ी बात है। कई बार बच्चे नहाते नहीं है, कई बार बच्चे मुंह जूठा सो जाते हैं, ये भी मैं जरूर बोलूंगी। देखिए हम बच्चों में इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, हम बच्चों के लिए कर क्या रहे हैं? गंगा जल जरूर रखिए, बच्चा घर से जाने से पहले बच्चे के मुंह में गंगा जल डालिए, 100 तरह की अलाव बलाओं से मुक्ति मिलती है। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। रात को सोते समय बच्चों को नियम डाल दीजिए कि हाथ पैर धोकर सोना है। सारा दिन की बॉडी की जो गंदगी है वो रात को सोते समय दिमाग पर असर करती है, हाथ पैर धोके सोइए, बहुत फर्क पड़ेगा। सुबह बहुत फ्रेश बच्चा उठेगा, दिमाग बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। उसके साथ साथ कुल्ला करके, और कुल्ला करने में बच्चों को छोटी सी आदत डलवा दीजिए, फिटकरी का चूर्ण बना लीजिए। फिटकरी अपने आप में बुध है और बुध वाणी है। आपका जब बुध खराब होता है तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत अनाप शनाप बोलते हैं। ये बिल्कुल आजमाई हुई चीज है। एक तो बच्चा कुल्ला करके सोए, जब भी मुंह गंदा रहेगा बच्चे की मेंटल वाइब्रेशंस डिस्टर्ब रहेंगी और बच्चा पेरेंट्स से भी लड़ सकता है, बच्चा गालियां भी निकाल सकता है समय के साथ साथ, बच्चे की जुबान जिसको बद जुबान बोलते हैं ऐसा हो सकता है। और देखिए गंदे मुंह में आप क्या सोचते हैं कि ज्ञान कहीं भी नहीं आकर जीवा पर ज्ञान नहीं आ सकता। तो रात को सोते समय बच्चों की कोशिश कीजिए कि बच्चा जो है वो अपना कुल्ला करके सोए, बच्चा जो है वो फिटकरी से दांत साफ करके सोए। यकीन मानिए बुध अपने आप ठीक होगा, बच्चे का दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ कि बच्चे के हाथों से नियम डलवा दीजिए कि छत पर पक्षियों को, बर्ड्स को, कौओं को, देखिए अगर कौओं को कॉल करते हैं तो रोटी डलवाने की आदत डाल दीजिए बच्चों के हाथों से। अगर कौए आपकी छत पर बहुत ज्यादा आते हैं तो शनि महाराज अपने आप ही बाधा अगर क्रिएट करते हैं तो अपने आप बाधा निकल जाएगी। अगर बर्ड्स कबूतर आते हैं तो ये भी बुध का कारक है। तो छोटी मोटी मेंटल नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हैं वो पक्षियों को बाजरा डालने से, दाना डालने से, रोटी डालने से, चिड़ियाओं को रोटी डालने से, कई बार छत पे बहुत गिलहरी होती हैं, तो ये छोटे छोटे कर्म जो हैं वो बच्चों को करने की आदत डालिए, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ये बहुत चमत्कारिक चीजें हैं। इन सब कर्म को करने से एक तो बच्चों के जो मानसिक कर्म है वो भी शुद्ध होते हैं, बच्चों में दया भावना ये सब चीजें पैदा होती हैं और आपका बच्चा समय के अनुसार, समय के साथ साथ कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा रहेगा और नेगेटिविटी कम आएगी। मानवीय बच्चों में नेगेटिव क्यों आती है, एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूंगी कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हम हमारे जन्म लेते ही इस धरती पर, इस वातावरण में एंटर करते ही जो हमारी ग्रह है वो हमारे पे हावी हो जाते हैं। उन ग्रहों के अनुसार हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, हमारे जो भी एटीट्यूड्स हैं, ईगोज हैं, वो सब चीज़ें हमारे ऊपर जन्म के समय से ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये तो जन्म प्रदत्त है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे वातावरण के अनुसार भी हैं। जो हमारा वातावरण बदल रहा है, जो हमारे घर का माहौल है, जो हम घर में बड़े करते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। आज देखिए पैसा बढ़ गया, मुझे एक प्रॉब्लम बोलूंगी जो हमारी खुद की क्रिएट की गई है। पैसा बढ़ने से फैसिलिटीज बढ़ गई लेकिन हमारे अच्छे कर्म नहीं बढ़े। एक छोटे से ब्रेक का बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है।
यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 2230-6292-2239-2314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 2257-3594, वेबसाइट www.siddharthinternational.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ सही है, लेकिन हमने फैसिलिटीज बढ़ाई, लेकिन हमने अच्छे कर्म नहीं बढ़ाए। घरों में सुबह पूजा पाठ नहीं होता, शाम को जोत जलाकर एक फॉर्मेलिटी कर दी जाती है। मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई बच्चा बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, लेकिन जब हम जैसे लोग डरा देते हैं कि आपका मंगल खराब है, या आपका बुध डिस्टर्ब चल रहा है, या शनि की ढैया चलती है, तब हम डर कर पूजा करते हैं। हम जैसे लोगों के कहने पर हम मंदिर में नारियल चढ़ाने चले जाते हैं, और कितने सोमवार हमें भगवान शिव पे जल चढ़ाना है, इस डर की वजह से हम बच्चों से ये सारे कर्म करवाते हैं, खुद भी करते हैं। लेकिन जो हमारी आस्था है, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी भावना है, वो कहीं भी नहीं, कम होती जा रही। इसके साथ साथ जो हम उपाय करते हैं, हम गाय को चारा डाल के आते हैं, हम गाय को रोटी डालते हैं, ये सब चीजें डर की वजह से, ये सब चीजें जो हैं, जो हम बच्चों में जो हमें क्रिएट करनी चाहिए, ये सात्विक कर्म है, वो हम कर ही नहीं रहे। हम बच्चा परेशान करता है, बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा पढ़ता नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर डरा देते हैं, बच्चे के भविष्य में कुछ नहीं है, बच्चे से ये काम कराओ, बच्चे से दान कराओ, तो हम वो सब चीजें दान पुण्य कर्म सब डर कर करते हैं। हनुमान जी को माथा टिकाना है तो हनुमान जी को माथा इसलिए टेका जा रहा है क्योंकि हमारी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है। हम भगवान शनि के मंदिर में तेल चढ़ाने जा रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि शनि की ढैया चल रही है या 7:30 बच्चे पे शुरू हो गई है, तो बच्चे का व्यवहार अच्छा नहीं है, बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, राहु बहुत डिस्टर्ब करता है, तो हम बच्चे के बॉडी से रिलेटेड सारा अनाज जो है तुला दान करवा रहे हैं। लेकिन क्या हमने बच्चों में एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट किया है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अपने दादाजी की सेवा करनी है, हमें दादी को खाना देना है, या हमें अपने पेपर देने से पहले माँ बाप के पैर छू कर जाना है? मुझे नहीं लगता आज ऐसे काम होते हैं, लेकिन बहुत कम है। परिवारों में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, और संस्कारों का खत्म होना ही हमारे बच्चों में कहीं ना कहीं एग्रेशन और जिद्दीपने के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। माँ बाप के पैरों को हाथ लगाना, ये संस्कार भी है और एक उपाय भी है। हम उपायों को ही कर्म बना लें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए दिक्कतें क्रिएट होंगी। हम माँ के पैरों को हाथ लगाते हैं, माँ को गले से लगा कर जाते हैं, और माँ बड़े खुश होकर आशीर्वाद देती है, तो यकीन मानिए आपका चंद्र अपने आप ही उच्च का हो गया। बच्चों को कुछ नहीं करना, जो बच्चे अपने माँ को गले लगाते हैं या माँ बच्चों को गले लगाकर प्यार से आशीर्वाद देती हैं, बच्चे माँ के पैरों को हाथ लगाते हैं, वहां पर बच्चे को किसी भी लिहाज से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक माँ को प्यार से गले लगा लेना
माँ को चूमना चाटना, माँ से प्यार करके जाना, माँ का आशीर्वाद लेके जाना 1 करोड़ मुसीबतों से बच्चे की रक्षा करेगा। बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं, जहां चंद्र वीक होते हैं वहां मन कमजोर होता है, और जहां मन कमजोर होगा आप 100 तरह से पेपर में भी डरेंगे, आप पेपर भी भूल जाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कुछ लिखें, आप डरेंगे कि पता नहीं क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, उस ईश्वर को पाने से पहले इस संसार के ईश्वर की आराधना कीजिए, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो भी उसी भावना से बच्चे को सपोर्ट करें। आज हम फादर के पैरों को हाथ लगा के जाते हैं, तो पिता सूर्य भी है, तो सूर्य आत्मा का कारक है। आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो आपको अपने पिता से भी मिलती है। लेकिन पिता भी इतना सक्षम हो कि बच्चे को सिर पे हाथ रख के बहुत सारी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ भेजे, मुझे नहीं लगता जिन घरों में माँ और बाप अपने बच्चे को पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देते हैं, पॉजिटिव संस्कार देते हैं, उनका बच्चा किसी लिहाज से प्रॉब्लम में है। अगर ऐसी फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्रह चाल की वजह से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अगर ग्रहों की वजह से अच्छे परिवारों में बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो वहां पर भी कुछ समाधान ऐसे हैं जो कराए जा सकते हैं। समस्या है तो उसका निवारण भी है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूं। मान लीजिए, देखिए माया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता का ही मर्डर कर देते हैं जी, तो क्या माता पिता की कमी है या बच्चों की कमी है जो ऐसा व्यवहार कर देते हैं? वो देखिए, आप देखो धारावाहिक देखे, मैंने बहुत सी बार उसमें देखा कि बच्चे माता पिता का या माँ का मर्डर कर रहे हैं। इसमें मैं 2 तरह से आंसर दूंगी कि एक तो ये प्रारब्ध का खेल है कि हमारे पिछले कर्मों में किसने हमसे कौन सा बदला लेना है और कहाँ जाकर किसका कहाँ कैसे भुगतान होगा। दूसरा, हमारे संस्कार जो बच्चों में दिए जाते हैं, हमने बहुत सारी सी कहानियाँ पढ़ी कि बच्चे को पहले ही अगर कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद, क्योंकि बच्चे को सिर्फ संस्कार नहीं देने, बच्चे के साथ साथ आपको चलना भी है। बच्चा कौन से कदमों से घर से बाहर निकलता है, कौन से कदमों से वापिस आता है, तो बच्चे को गाइडेंस, काउंसलिंग, अच्छे संस्कार बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं बार बार, हमने पहले प्रोग्राम में भी ये बात बोली है कि आप बच्चे को जो खाना देते हो, बच्चे के पेट में जो अन्न जाता है, आप अपनी कमाई को सात्विक रखिए। जो कमाई आप करते हैं, देखिए हर चीज को अगर सोच समझ कर किया जाए, ईश्वर आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं देता। जो भी आप घर में पैसा लेके आते हैं, उस पैसे में ईश्वर का अगर नाम है, अगर आपकी सात्विक भावना है, अगर आपकी मेहनत है, और घर में सबसे पहली थाली ईश्वर को भोग लगाकर बच्चों को दी जाती है, तो मुझे नहीं लगता बच्चे कहीं नालायक निकलते हैं। ये समस्याएं आती भी वहीं पर हैं जहां घर के संस्कार बिगड़ते हैं, जहां अच्छा पैसा नहीं होता, जहां पर घरों में लड़ाई झगड़े हैं, घरों में गाली गलौच है, जहां तामसिक भोजन है, जहां शराब पी जाती है, या उल्टी सीधी बातें सुनी और सुनाई जाती हैं, या चुगली निंदा होती है। ये सारी समस्याएं वही हैं जहां ईश्वर का नाम है। मुझे नहीं लगता, कोई कहानी आपने ऐसी नहीं पढ़ी होगी कि किसी ईश्वर का नाम लेने वाले परिवार में किसी बच्चे ने अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया। कि प्रॉब्लम्स वही होती हैं जहाँ पर ये सारी समस्याएं होती हैं। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka Utkrisht Utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great break ke baad aapka swagat hai. To apne bachchon ko acche sanskar dijiye. Agar hame acche results chahiye to hame bachchon ko acche sanskar dena padega. क्या इन कामों के जो धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं क्या वो दोषी नहीं है? हाँ जी, जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं टीवी पर, क्या वो दोषी नहीं है? देखिए, ये मैकेनिज्म गलत दिखाते हैं, गलत दिखाने के बाद क्या बच्चों में या बड़ों में वो भावना आती नहीं आती है? देखिए, ये एक मार्केट है,
आप मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए, जो आपकी पसंद का है आप वही उठाइए। आप अपने बच्चों के साथ बैठकर सीरियल्स देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार देखने दीजिए। एक छोटी सी बिटिया गुड़िया जो है वो 10 साल की है या 12 साल की है या 15 साल की है, अगर वो सास बहू के सीरियल देखती है तो आने वाले टाइम पीरियड में शायद वो कॉन्स्पिरेसीज ऑफ माइंड ही सीखेगी। तो ये माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि बच्चों को हमें क्या देखने देना है और क्या देखने नहीं देना है। आज देखिए बच्चों को रोक नहीं सकते आप, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, मोबाइल्स में सारे इंटरनेट के स्टेटस हैं, आप बच्चे कुछ भी खोल के देख सकते हैं, लेकिन आपने बच्चों को गाइडेंस देना है। मैंने आपको ये बोला कि मार्केट में जा रहे हैं आपको क्या उठाना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, और इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों की मदद करें कि हमें ये देखना है, ये हमारे लायक नहीं है, या हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए, या बच्चों को गाइड कीजिए कि बेटा ये सिर्फ ड्रामेटिक स्टेटस है, हमें इनको अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करना। अगर कोई सास बहू के साथ या बहू सास के साथ गलत व्यवहार करती है तो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को गाइड करें कि ड्रामेटिक स्टेटस है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना। मेरी तो यही गाइडेंस है कि सब कुछ देखिए बेशक, लेकिन अपने बच्चों को सही गाइड कीजिए। उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही दे सकते हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी, शायद हर प्रोग्राम में बोलती हूँ कि जब आप बच्चे को खाना देते हो तो जब आप खाना पकाते हो तो दुनिया को मत सोचिए, आप ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये रोटी मेरा बेटा खाएगा, ये रोटी मेरी बेटी खाएगी, हे ईश्वर उसमें इतनी सात्विक ऊर्जा दीजिए, इतनी एनर्जीज दीजिए कि मेरे बच्चे का मन कर्म उसका शरीर बहुत ही अच्छा रहे, और सात्विक कर्मों की तरफ देखिए, अगर कर्म सुधर गए मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी दवाई की जरूरत पड़ेगी। दवाई की जरूरत वहीं पड़ती है जहां दुआएं नहीं होती, और जहां दुआएं होती हैं अच्छे संस्कार होते हैं, मानिए या ना मानिए किसी और साधन की जरूरत नहीं पड़ती। शायद हम इन चीजों से डाइवर्ट हो रहे हैं इसलिए परेशान। मनी आपने कहा संस्कार, आज की दिन कितने परसेंट ऐसे होंगे जो माँ बाप के संस्कार बच्चों में है, कितने परसेंट होंगे? संस्कार नाम ही कोई चीज नहीं आज की डेट में। देखिए संस्कार का सबसे पहले हमें मीनिंग क्लियर करना है। संस्कार का मतलब सिर्फ बच्चों को पॉजिटिव बातें बताना संस्कार नहीं है। हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो संस्कार है। हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमें कहीं जाना है, हमें किसी को ट्रीट करना है, हमें किसी का सत्कार करना है, किसी को इन्वाइट करना है, सारे संस्कार हैं। एक सिस्टम है, उस सिस्टम को बच्चों को सिखाइए कि जीवन में चलना कैसे है। बच्चे को पैसा देने के साथ साथ बच्चे को पैसे की वैल्यू सिखाइए। घर में जितने भी मेंबर्स हैं मेंबर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो भाइयों की इंपॉर्टेंस एक दूसरे के साथ सिखाइए। तो संस्कार का नाम आजकल जो रह गया है वो कि बच्चों को एक किसी की रिस्पेक्ट करना सिखाना। रिस्पेक्ट तो एक संस्कार है, लेकिन रिस्पेक्ट के अलावा भी हम जिंदगी में जितने भी कर्म करते हैं जो हमारे मरने तक चलते हैं वो सारे संस्कार हैं। तो बच्चों को एक दिशा देने की जरूरत है। तो मान लीजिए क्या मैसेज देंगे आप ऐसे बच्चों को जो आगे बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, वो आगे बढ़े? मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि सारे ग्रह, हम 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों की बात करते हैं, तो सारे ग्रह जो है वो आपके घर में है। आप अपनी सिस्टर से प्यार कीजिए, आपका बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मंगल, आपका भाई छोटा है बड़ा भाई है तो मंगल से प्यार कीजिए, यानी मंगल आपका ठीक हो जाएगा अगर आप अपने भाई से प्यार करते हैं। अगर अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चंद्र ठीक हो जाएगा। फादर से प्यार करते हैं तो सूर्य ठीक होगा। अगर आप अपने दादा से प्यार करते हैं तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा। तो कहने का पर्पस क्या है कि अगर हम अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाएं, हम दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको आपकी मंजिल तक जाने से रोक ले। बाकी हमारे पिछले प्रारब्ध अगर खराब हैं तो आज हम कष्ट भोगते हैं, ये कर्मों का प्रावधान है। पूर्ण जन्म में हम विश्वास करते हैं, और अगर हमें अपना वर्तमान अच्छा चाहिए और अपना भविष्य अच्छा चाहिए और कर्म अच्छे अगर हम करते जाएंगे तो हमारा आने वाला प्रारब्ध, हमारा आने वाला भविष्य, हमारे आने वाले जन्म सब ठीक रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खुश रहेंगी। तो आज से एक नियम डाल लीजिए कि हमें आज की डेट में अभी से एक अच्छा कर्म करना है। सात्विकता आपकी सफलता की कुंजी है। संसार कहीं भी जा रहा है लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा हमेशा पॉजिटिव रहे। आप आकाश की जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं कुछ भी असंभव नहीं है। जय माता। सुन रहे थे ज्योतिष आचार्य मालवीय जी को, जिन्होंने बताया कि एग्जाम आने पर बच्चों को, उनके माता पिताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों को पेपर देने में दिक्कत नहीं हो और माँ बाप भी खुश रहें।
यदि कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है मानव जी से, आप फोन कीजिए, मानव जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। धन्यवाद। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 1138-2212-0638-1072-1848-9818-7052। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपके पास @yourcoin। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/6 रामनगर शारदा दिल्ली 32।